ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ टच को गिन रहा है। हम इस वीडियो में यही सब देखेंगे कि हम कैसे इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अंधेरा कायम रहे से हम थोड़ा बाहर आ गए हैं उजाले में, और चलिए शुरू करते हैं। सब स्वागत करता हूँ सभी का अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बाबा जी। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए चैनल में आगे तक। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। हमें ये देखो, ये हमारे पास 4 डिजिट की डिस्प्ले है, ठीक है। ये बैक साइड में इसका एक ये चिप लगी रहती है छोटी सी, ठीक है। 4 पिन की ये होती है। साथ में हमारे पास ये जो टच सेंसर है, ये अपने को चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा टच सेंसर छोटू सा, और ये हमारा एज यूजुअल हमारा जो भाई बंधु है ESP32, और ये ब्रेड बोर्ड जो आप पहले भी देख चुके हैं। और कुछ ताम झाम वाली वायर चाहिए अपने को, कनेक्टिंग वायर मतलब। सबसे पहले ESP32 को ब्रेड बोर्ड पर इस तरह प्रेस कर देंगे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। अब तो आप बिल्कुल ही खतरनाक हो गए होंगे फ्रेंड्स। इसमें रापचिक वाले ये हमने टच सेंसर को प्रेस कर दिया। देखो अच्छी अच्छी को, नहीं तो आंटी के पास भेज देंगे, बहुत खतरनाक आंटी है, ठीक है। अब ये पहले हम क्या करेंगे, VCC और ग्राउंड देंगे। किसको? ये रहा VCC और ग्राउंड, ठीक है। ये हमने हम लपेटा मार रहे थे इसको, लपेटा हमने कोई लपेटा मार के देखते हैं, बट लपेटा मार मज़ा नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी फ्रेंड, नास थोड़ी सी तबीयत थोड़ी नासाज है, ठीक है। फिर भी हमने कहा वीडियो में शूट करना है, तो हमने जो लंबी सी स्ट्रिप है हमारी ना ब्रेड बोर्ड पर, इसको VCC ग्राउंड दे दिया है। अब वहीं से इन हमारे छोटे बंधु हैं उसको, और ये जो डिस्प्ले है छोटी वाली, इसको हम VCC को ग्राउंड यहाँ से देंगे, ठीक है। VCC ग्राउंड ये रहा, काला काला गोरा कर दिया हमने इसका। ये देखिए VCC ग्राउंड, VCC हमारी वाइट वायर और ग्राउंड है हमारी ब्लैक वायर, ठीक है। उसको हमने ये जो लंबी सी स्ट्रिप है ब्रेड बोर्ड की, इसी से VCC और ग्राउंड प्रदान कर दिया है, ठीक है। इसको VCC और ग्राउंड प्रदान कर दिया है। अब एक दो और तामझाम वाली वायर लेते हैं, कनेक्टिंग वायर, ये देखिएगा। अब क्या करते हैं, तो इसमें ना दो अलग से डेटा के पिन रहती हैं, एक होता है डुओ, एक होता है क्लॉक, ठीक है। तो पहले हमने इस तरह से देखिए 21 नंबर पिन से जोड़ दिया है। हमने किसको जोड़ा है, हमने जोड़ा था डुओ को। आप क्लॉक की बारी आती है, क्लॉक का CLK रहता है, मतलब CKL रहता है, तो उसको हम 22वें पिन से जोड़ देंगे ESP32 के 22 वाले पिन से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, मतलब हमारे जो ये 4 डिजिट की 7 सेकंड डिस्प्ले है, इसका कनेक्शन हो चुका है पूरा। अब बात करते हैं हमारे इस छोटू से महाशय की, जिससे हम टच सेंसर यूज़ करने वाले हैं, टच की तरह यूज़ करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। इसकी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसमें 3 पिन का रहता है बेसिकली, ये VCC ग्राउंड और सिग्नल आउटपुट के तौर पे जो देता है सिग्नल, वो वाला सिग्नल, ठीक है। तो हमने इसको VCC ग्राउंड दे दिया, और देखिए VCC ग्राउंड दे दिया हमने वही 3.3 वोल्ट वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सिग्नल कौन सा, तो D4 जो ESP32 में डिजिटल पिन है D4, उससे इसको सिग्नल वाला कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। बेसिकली क्या होगा कि यार ये ना काउंटर सर्किट है, तो हम जब इस टच सेंसर में टच करेंगे, तो वो टच सेंसर ESP32 को सिग्नल भेजेगा कि हाँ कुछ टच हुआ है, इसकी एक पिन हाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये डिस्प्ले है, छोटू सा डिस्प्ले है, इस पर एक जो जीरो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1, फिर 2। तो आइए चलिए मिलते हैं अपने कोड महाशय के साथ। तो ये हमारा कोड है, ठीक है, जिसमें कि हमने इसकी लाइब्रेरी डिफाइन की है, पोर्ट डिफाइन किए हुए हैं क्लॉक और डुओ के साथ में, हमारे जो डिजिटल पिन था टच सेंसर का वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आई लाइक प्रेस बटन्स फ्रेंड, आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और पोर्ट कौन से पोर्ट पे वो लगा हुआ है ये सिलेक्ट करके अपलोड का ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, ये पेंगुइन देखो कितना खतरनाक है, भयंकर निंजा टेक्निक के साथ वो कोड अपलोड कर रहा है। और ये देखिए हमारा कोड अपलोड हो रहा है, इसमें परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, ये देखिए इतना परसेंट हो चुका है। अरे ये देखो चीप डबाक नम नम करता हुआ खरगोश, इसने अपने भाई को डरा दिया है। और इसी तरह कोड भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, कोड अपलोड हो चुका है। कोड में सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से, पहले इनिशियली 0 रहेगा और ये सब। अब आप स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से, जैसे हमारे रैबिट महाशय स्टार्ट हो चुके। अब देखिए स्टार्टिंग में 0 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप,
जीरो लिखा हुआ है, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे, फोर डिजिट की जो है, V1.2 नाम है इसका, ठीक है। 1, 2, 3 रिस्पॉन्स देखिए फ्रेंड, रिस्पॉन्स। ये टच सेंसर बहुत ही मज़ेदार है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी नौकरी पक्की। अगले वीडियो में भी इसका यूज़ करेंगे हम, तो बने रहेगा हमारे साथ में। और हम दोबारा रीसेट का पिन इस पर जो प्रेस किया है तो ज़ीरो हो चुका है। अब थोड़ा सा अंधेरा कायम है करते हैं, जिससे कि थोड़ा हमारे जो डिजिटल डिस्प्ले है ये थोड़ा अच्छे से देख पाएँ आप लोग, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आकर रुक जा रहे हम, ठीक है। दोबारा अंधेरा काम से बाहर आते हैं, अंधेरा काम रहे तो हम राज क्लेश, और ये हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार है। हमने कहा टच सेंस हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसका एक नया यूज़ किया जाए, तो हमने काउंटर से हम अंधेरा कायम रहे में हमें बार बार आना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा जो ये ओलेड डिस्प्ले, जो छोटी सी डिस्प्ले है, ओलेड बोलने की आदत पड़ गई है फ्रेंड, ठीक है। आपको तब तक क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे और भी लोग, हम हमारे और भी जो चाहने वाले हैं हमसे मिल पाए। जब तक ये काउंटिंग जिस तरह बढ़ रही है, इसी तरह से हमारे सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर भी हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जिससे कि मैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ में आपके साथ आऊँ, उत्साह के साथ आऊँ। जैसे कि ये नया वीडियो था एक 10, हमने रिसेट कर दिया है, दोबारा हमने काउंटिंग इंक्रीज करने हैं, टच करने हैं। इसी तरह आपको भी टच करना है सब्सक्राइब के ऑप्शन पे अगर आप नए हैं, और लाइक करना है आपको, इसी तरह प्रेस करना है, उसका काउंटर भी इसी तरह बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर आप सेम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बाबू जी के नाम से फेसबुक पे देखेंगे पेज, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से पेज है। चलिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।